तो आज के इस वीडियो में हम जो सेंटर कॉलम बनाने वाले बलून का, उसमें काले कलर के 10 बलून, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ब्लैक, 10 रेड, 10 गोल्डन और 10 ग्रीन कलर के बलून्स इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक ट्रांसपेरेंट बलून हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, एक रेड डॉटेड बलून इस्तेमाल करने वाले हैं और 3 पाइप बलून, या जिसे हम काकड़ी भी कहते हैं, ये 3 कलर के रेड ग्रीन रेड ब्लू और येलो, ये 3 कलर के पाइप बलून हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ब्लैक बलून से। इस ब्लैक बलून में हम 15 पंप हवा भरेंगे, ब्लैक बलून 10 और उसके अंदर 15 पंप का हवा भरेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 पंप से हवा भरेंगे। और दो बलून होने के बाद में हम एक दूसरे में ऐसा इनको एक दूसरे में हम इसे बांध देंगे। ये दो बलून में हम इसे बांध देंगे। इसी तरह से हम पूरे 10 बलून में 15 पंप हवा भरेंगे हम। और ये जो सिंगल बलून है, ये दो बलून जो है हमारे, ये दो बलून को हम इसे इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से बांधने के बाद में ये 3 और ये 2, ये पांचों को हम एक दूसरे में ऐसा, तो ये हमारा बन जाएगा 5 बलून का इस तरह से। ये 5 बलून का इस तरह से हमारा बन गया। अभी हम इसी तरह 5 बलून का 15 पंप भर के एक दूसरा एक ऐसे 5 बलून का एक सेट बनाएंगे। इस तरह से हमारे ये काले 15 पंप के बलून बन जाएंगे। अभी हम लेते हैं रेड कलर के बलून। इस रेड कलर के बलून में हम 10 पंप हवा भरेंगे, रेड कलर के बलून 10 पंप हवा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर पहले के काले बलून की जैसे हम इन्हें दोनों को बांध देंगे इस तरह से। इन दोनों को बांध देंगे और ये तीसरा बलून जो है, ये दो बलून को इसको बांध देंगे और ये 2 और ये 3 कुल मिला के 5 बलून का हम एक पहले काले बलून के जैसा एक बंच बना देंगे। 5-5 बलून के तो लो बन गए हमारे 5-5 बलून के लाल कलर के 10-10 पंप के दो बुके। अब इसी तरह से हम बनाएंगे 10 पंप हवा भरेंगे और इन ये ब्लैक और रेड की तरह 5-5 बलून के दो बुके बनाएंगे। जैसे कि हमने लाल बलून्स के 10-10 पंप के दो शेप बनाए थे, उसी तरह से हमने ये 10-10 पंप के ग्रीन बलून्स के दो शेप बनाए हैं, जिसमें हमने 10-10 पंप हवा मारी है। तो अब हम बनाएंगे
गोल्डन कलर की, जिसमें हम भरेंगे 5 पंप हवा, 1, 2, 3, 4, 5। तो लो बन गए हमारे गोल्डन के 5 5 पंप के, 5 गोल्डन बलून्स के, 5 2 बुके लेंगे। अभी हम लेंगे ये रेड कलर का बलून, जिसके अंदर हम ये स्टिक पिरोएंगे इस तरह से। और जो हमारा दूसरा प्लेन वाला बलून है, ट्रांसपेरेंट बलून है, उसके अंदर हम इस तरह से उसे अंदर में ढकेलेंगे। अब ये इस तरह से अंदर जा चुका है। अब इसके अंदर हम 7 पंप हवा भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बाद में हम ट्रांसपेरेंट बलून को बाजू में सरका के ये रेड कलर के बलून को गांठ मार देंगे इस तरह से। अभी हमारा ये रेड बलून या ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर जा चुका है। अब हम इसके क्या करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर 10 बलून फिर से हवा भरेंगे। अभी हम बनाएंगे ये पाइप बलून को फुलाएंगे। अभी हम जैसे कि आप देख रहे हैं नीले कलर का जो पाइप बलून है, उस नीले पाइप बलून को हम फुलाएंगे। और ध्यान रखें कि हमारे बलून का जो आखिरी का सिरा है, उसे 6 5 उंगल का जो 5 उंगल है हमारी, वो 5 उंगल छोड़ दे और इस ये साइड से उसे गीठ मार देंगे हम। ओके, इस तरह से रेड ब्लू और येलो कलर के पाइप बलून हमने फुला लिए। तो शुरू करते हैं स्टैंड के ऊपर हम सेंटर कॉलम बनाना। जो ब्लैक बलून्स हमने 15 15 पंप से फुलाए थे, वो नंबर 1 के स्टेज पे रखेंगे। उसके बाद में रेड कलर के बलून फिक्स करेंगे। इस तरह से ग्रीन बलून आप उसके ऊपर फिक्स करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके सामने का बेल बटन दबाएं। और ग्रीन बलून के ऊपर हम गोल्डन बलून आप फिक्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिए। अभी जो पाइप बलून हमने फुलाए थे रेड येलो और ब्लू, वो एक दूसरे को बांध देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं उस तरह से उसे बांध देना। ये हो गए हमारे रेड ब्लू और येलो कलर के पाइप बलून बांधना। अब हम इसे फिक्स करेंगे अभी से हम गोल्डन बलून्स के नीचे से लेके 3 बलून के अलग अलग गैप से उन्हें ऊपर निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग बलून के गैप में से हमने उसको ऊपर निकाला है। और अब हम
तीनों पाइप बलून्स को पकड़ कर स्क्वायर के जैसे स्क्रिल के जैसे आप वो स्टैंड का जो पाइप है उसे ऐसे जैसे आप देख रहे हैं उस तरह से लपेटेंगे। और शुरू में हमने जो चार पांच उंगल का जो पाइप बलून का आखिरी का जो हिस्सा रखा था वो हिस्सा पकड़ कर वो तीनों भी पाइप बलून हम स्टैंड के पाइप को बांध देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आखिरी के जो चार चार उंगल का हम पाइप बलून में छोड़ा था वो अभी हमने वो ऊपर वाले पाइप को बांध दिया है। अब उस टाइप टॉप के ऊपर नीचे से ब्लैक रेड ग्रीन और गोल्डन बलून था, उसी तरह से अब हम अपोजिट साइड से जाएंगे। तो फर्स्ट में आएगा गोल्ड, उसके बाद में आएगा ग्रीन, उसके बाद में आएगा रेड और उसके बाद में आएगा ब्लैक। और अभी आप अपने घर पर भी ये कर सकते हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कलर इस्तेमाल करे है आप भी वही कलर इस्तेमाल करें, आप अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर किसी हमारे सब्सक्राइबर ने अगर बनाया है बनाकर देखा है तो मुझे वो पिक्चर व्हाट्सअप ज़रूर करना, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और कुछ सेंटर पीस के लिए और बलून्स के अलग अलग डेकोरेशन के लिए जो स्टैंड्स लगते हैं वो अगर आपके पास नहीं है और कैसे बनाना है या अगर जानते नहीं हैं आप तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और कुछ डेकोरेशन के सेंटर पीस, डेकोरेशन के बलून के रिलेटेड कुछ हो और आप वो सीखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट, व्हाट्सएप, ईमेल करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। जो हमने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रेड बलून डाला था उसको कर्ली रिबिन से बांध देंगे एंड पॉइंट को, जो कि हम ब्लैक बलून्स का जो एक फाइव बलून्स का जो से बनाया था उसके टॉप के ऊपर लगाने के लिए, जो कि अब हम पांचों बलून के सेंटर में उसे रखकर वो कर्ली रिबिन हम दो तीन बलून्स के गैप में से नीचे निकाल कर उसे लपेट देंगे ताकि वो फिक्स हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी लगभग हमारा कॉलम बन चुका है। अगर आप इसे डेकोरेशन करना चाहते हो तो पाइप बलून्स और इस्तेमाल करके कर्ली रिबिन्स लगा के उसे मॉडिफाई कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और सामने का बेल बटन पुश करना ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।